मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, बहुत भाषण दे रही हूँ सुबह से, कुछ दिन हो गए, रात रात तक हम चलते हैं। आज हमें देरी भी इसलिए हुई कि रास्ते में लोग इंतज़ार करते हैं, तो बार बार रुक कर लोगों से बात करके हम आए। तो मैं आपकी सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला और इतनी समय से बारिश भी हुई लेकिन आप यहाँ से हिले नहीं। देखिए, अमेठी की जनता के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और ये एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये एक श्रद्धा का रिश्ता है, प्रेम समर्पण का रिश्ता है। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है या उस माइक पे जाऊँ? यहाँ आवाज़ ठीक से आ रही है? नहीं आ रही? उधर से ज़्यादा सही आएगी? इधर से ही ठीक है? ठीक है, थोड़ा आस्ते बोल रही हूँ इसलिए जोर लगा के बोलूँगी। सुनिए, पुराना रिश्ता है हमारे आपके, हमारा और आपके बीच, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता है। आपने निभाया, हमने भी निभाया। हाँ, इसमें कई कई बार बीच में कठिनाइयाँ आई, कभी आपने निर्णय लिया, जैसे पिछली बार आपने मेरे भाई साहब राहुल भाई, राहुल जी को हराया, ये आपका निर्णय था। हमारे मन में जनता हमेशा सर्वोपरि रहती है, इसलिए जो भी आपका निर्णय रहा उसको हम प्रेम से और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटता। आपने भैया को हराया, 2 साल बाद कोरोना हुआ, कोरोना में मोदी जी की सरकार ने अचानक लॉकडाउन कराया, सब दुकानें बंद कर दी, सब ट्रेनें बंद हो गईं, सब बसें बंद हो गईं। मुझे याद है उस दिन जब शाम को पूरे देश भर में लॉकडाउन का वो टीवी पे मोदी जी आए और उन्होंने बोला कल से सब कुछ बंद, कुछ ही घंटों बाद मेरे बड़े भाई राहुल जी का फोन आया और उन्होंने कहा देखो इन्होंने तो लॉकडाउन कर लिया है, सारे साधन बंद हो गए हैं, अमेठी के बहुत लोग पलायन करके जाते हैं, कुछ मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, हैदराबाद में होंगे, अलग अलग प्रदेशों में होंगे। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि प्रियंका जहाँ जहाँ है उन्हें ढूंढो और घर पहुँचा दो। तो हमने एक हेल्पलाइन जारी की और हमने कहा कि यूपी के, अमेठी के, रायबरेली के जितने भी लोग हैं इस नंबर को फ़ोन करें। और अचानक फ़ोन आने लगे, किशोरी भाई साहब, मैं, मेरे और साथी जो यूपी में काम करते थे, हम 16 घंटों के लिए फ़ोन पे रहे। अमेठी के लोग गुजरात में फंसे थे। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, रोने लग गया जब मेरी आवाज़ सुनी, और मैंने उसको कहा कि मैं राहुल भैया की बहन हूँ और मैं मदद करूँगी। रोने लग गया, कहा दीदी हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कल तक खाना भी नहीं बचा, हम 16-17 लोग हैं यहाँ फंसे हुए हैं, डर लग रहा है। इसी तरह से सैकड़ों लोगों को हमने घर पहुँचाया सही सलामत, ट्रेन की यात्रा से ट्रेन का इंतज़ाम किया, गुजरात से, बिहार से, अन्य जगहों से बस साधन जो भी जीप भेजी और हम लोगों को घर ले आए। तो ये राजनीति का रिश्ता नहीं था, आपने तो सांसदी हरा दी थी, भैया आपके सांसद ही नहीं थे, लेकिन भैया के दिल में सबसे पहले आपके लिए चिंता थी। पिछले चुनाव में हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में बहुत झूठ फैलाए गए, आपको कैसी कैसी चीज़ें कही कि हम यहाँ आपकी जमीन लूट रहे थे, हम यहाँ पैसे लूटने के लिए आए, ऐसे ऐसे झूठ जो शायद ही
इस अमेठी की धरती पर पहले आपने सुने हो, क्योंकि ये धरती वैसी धरती थी जिसमें एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। मेरे पिताजी जब यहाँ आए, जल्द ही प्रधानमंत्री बने। उनकी माताजी शहीद हुई, 4 साल बाद आपके सांसद थे, प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री होते हुए आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को पूछने आए, आपसे डांट भी खाई, आपके सामने झुके, और एक ऐसा रिश्ता उन्होंने शुरू किया जो एकदम श्रद्धा से भरा हुआ था। तो आपके सामने झूठ बोलने का, आपको गुमराह करने का, आपको धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपसे वोट लेने का तो सोचा ही नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अमेठी आएंगे और जनता को गुमराह करेंगे, फुसलाएंगे और उस आधार पे हम वोट लेंगे। हमारे पिताजी के बाद माताजी आईं, माताजी भी वही श्रद्धा लाईं, अपने शहीद पति के जो सपने थे अपने सांसदीय क्षेत्र के लिए वो पूरा करने के लिए आईं। भाई आए, भाई ने भी यही शपथ ली थी अंदर अंदर अपने दिल में कि पिताजी का क्षेत्र है, पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, हमें उनका काम जारी रखना है, उनके सपने साकार करने हैं। तो हमारे मन में ये बात आ भी नहीं सकती थी कि हम कहीं आपको झूठ बोलें, कि हम किसी भी अलग मुद्दे पर आपसे वोट मांगे। हमारा धर्म ये था, कर्तव्य ये था कि हम काम करें, और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगा, काम के आधार पर ही आपसे समर्थन मांगा, काम के आधार पर ही हमारा रिश्ता जुड़ा आपसे। फिर एक प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में, या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई, और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम कहा, वचन दो भगवान को कि भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी के विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में, दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया, जो नहीं कर सकती थी उसका वादा नहीं किया। तमाम उद्योग लगे, सड़कें बनी, बिजली की सुविधा जहाँ जहाँ आई, पानी की सुविधा जहाँ जहाँ आई, ये जो आज बड़ी बड़ी सड़कें अमेठी को लखनऊ से जोड़ती हैं, रायबरेली से जोड़ती हैं, पूरी देश से जोड़ती हैं, वो समय नहीं थी, ऊसर जमीन थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में आई, सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन दिखती थी, बुज़ुर्गों को याद होगा, मैं पिताजी से पूछती थी कि पिताजी ये सफ़ेद क्यों हो रही है ज़मीन? वो कहते थे कि इसमें नमक बहुत है, ऊसर है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। आज हर जगह आपको हरियाली दिखती है, जो नौजवान है उनको मालूम नहीं होगा, अपने आप नहीं आई ये हरियाली। ये हरियाली तब आई जब राजीव जी मेरे पिताजी एक योजना लाए कि यहाँ की जितनी भी ऊसर जमीन है उसको हमें उपजाऊ बनाना है। आज आप ढूंढ लेंगे आपको ऊसर नहीं मिलेगी। तो ये जो तरक्की हुई यहाँ की, जिसको बदनाम
आपके सांसद जैसे नेताओं ने की किया, ये तरक्की अपने आप नहीं हुई, आपके जीवन में बदलाव आए। मैं जहाँ जहाँ दिल्ली में जाती हूँ, NDMC के कर्मचारी, दिल्ली के कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी हैं, मैं पूछती हूँ कहाँ के हो, ज़्यादातर अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं, क्योंकि हमारे कार्यकाल में बहुत लोगों को रोज़गार भी मिला, बहुत काम हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी जागरूकता पर आक्रमण हुआ, आपको बहुत बोला गया, गलत बोला गया, और आपको झूठे वादे भी दिए गए। 13 रुपए किलो चीनी, वो वादा याद है आपको? किसने दिया? भाजपा की नेता ने दिया। यही नेता हैं जब 400 का सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के जमाने में, सिलेंडर पे बैठ के पत्रकारों से बात की, सिलेंडर पे बैठ के बोली कि हद हो गई है, इतना महंगा हो गया है, अब 1200 का सिलेंडर हो गया है, मुंह नहीं खोलती। ये वही है जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करती थी, और आज हाथरस की महिला के साथ अत्याचार होता है, इनकी पार्टी अत्याचारियों की मदद करती है, उन नाव में एक महिला को जलाया जाता है, इनकी पार्टी अपराधियों की मदद करती है, मणिपुर में होता है, कर्नाटका में होता है, और इनकी पार्टी जिसने अत्याचार किया उसकी मदद करती है, और ये चुप रहती है, एक लफ्ज नहीं बोलती। पहचान लीजिए कैसी राजनीति चल रही है आप पिछले 5 सालों से आपके क्षेत्र में। मेरी बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, महंगाई का सामना कौन करता है? सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, आधा सामान छोड़ के आ जाती हैं, सोचती हैं कि कोई बात नहीं, बाद में खरीद लेंगे। काम करती हैं, मेहनत करती हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि आप मेहनत करते हो, लेकिन आराम भी होता है जब घर जाते हो, क्योंकि महिला है, घर जाती है। यहाँ जो पुलिस कर्मचारी भी हैं महिलाएं, घर जाती होंगी, बच्चों का देखभाल करेंगी, खाना पकाएंगी, घर की सफाई को देखेंगी। महिला का दुगना काम होता है, पूरा बोझ उठाती हैं, परिवार का, समाज का, देश की नई पीढ़ी की परवरिश का, लेकिन इनकी सुनवाई कहाँ है? आज महंगाई से जूझ रही हैं, 1200 का सिलेंडर, मिट्टी के तेल, चीनी नहीं मिलता, सब महंगा हो गया है, सब्जी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है, सस्ता कुछ नहीं रहा। 50 क्या मिलती नहीं है? वहां मैं रायबरेली में कह रही थी, दीदी मिलती थोड़ी है चीनी, आप सांसद तक पहुंच जाएं वही बड़ी बात होगी, बात करना छोड़िए। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, आपको पहुंचना नहीं पड़ता था, वो पहुंच जाते थे आपके बीच। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, खुद गाड़ी चला के आपके घरों में आकर सर झुका के आपसे बात करते थे। आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, कभी अहंकार नहीं दिखाते थे, आपके घरों में आते थे, आप डांट देते थे कि भैया प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, आपने बिजली का खंभा लगाया, इसमें तार नहीं लगाया, वोट नहीं देंगे। याद है आपको, जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं छोटी बच्ची थी, पिताजी को डांट पड़ रही है, मैं तो घबरा जाती थी, मैं सोचती थी कि पिताजी कहाँ, मैं डरती थी जब वो नाराज होते थे और कोई डांट रहा है। पिताजी हंस के बोलते थे कि अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, सुनना मेरा कर्तव्य है, और मैं खुश हूँ कि अमेठी की जनता जागरूक है, कि अमेठी की जनता सवाल उठाती है, जवाब मांगती है, विकास मांगती है। ये था रिश्ता आपके बीच में। आज एक लड़के ने क्या फेसबुक पे, क्या संविदा कर्मी है एक प्रमोद तिवारी, फेसबुक पे क्या लिख लिया, एक इनके बारे में आलोचना कर ली, उसकी नौकरी निकाल दी। पिता बीमार है, इलाज नहीं हो रहा है,
और क्योंकि उसने एक आलोचना कर ली उसको नौकरी से निकाल दिया। इतना अहंकार है आपकी सांसद का कि उनके पास जाना छोड़िए। अगर आप उनकी थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल उठाते हैं, वो तो नौकरी से ही निकलवा देती है। और वहाँ आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, मुस्कुरा के जवाब देते थे। मुझे याद है मेरी माताजी के समय जब मैं यहाँ की प्रभारी रहती थी किशोरीलाल शर्मा जी के साथ, मैं जाती थी गांव में तो ऐसी डांट पड़ती थी कभी कि अच्छा बहन जी आ गई हैं, अब आई हैं, कितना समय हो गया, सड़क बनानी थी आपने, अभी तक खड़िंजा नहीं लगाया है, ये डांट खाती थी। जवाब देती थी कि नहीं नहीं मैं अभी कराती हूँ इसको। तो ऐसे ही तो कार्य हुए यहाँ। आज क्या है कि पूरे देश भर में नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं। भाजपा के नेता हैं, बार बार जीत रहे हैं चुनाव, जनता पूछ नहीं रही है। ये लोग धर्म का नाम लेते हैं, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेते हैं। जनता इनसे सवाल नहीं उठा रही है कि भाई किया क्या है हमारे लिए, तो जवाब देना नहीं पड़ रहा है। कहाँ वो जनता, यहीं की हमारी अमेठी की जागरूक जनता, जो प्रधानमंत्री को खड़े में खड़ा कर देती थी, कहती थी कि भाई करो नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। और कहाँ आज की जनता जो धर्म का नाम लेते हैं, ये आपको गलत गलत बातें बता देते हैं कि बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, बाकी पार्टियां आपके भैंस चुरा लेगी, बाकी पार्टियां आपके मंगलसूत्र चुरा के किसी और को दे देंगी, सारे झूठ, और आप चुप रहते हैं। ये शिकायत है आपसे, मैं शिकायत कर रही हूं आपसे। आप देखते हैं कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं और आप मौन है, सवाल नहीं उठाते। सारी संपत्ति उठा के देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए। रात को जा रहे हो आवारा पशु से अपने खेतों की रक्षा करने, कोई सुनवाई नहीं है। आप कर्ज उठाते हो, कर्ज चुका नहीं पाते, तमाम किसान आत्महत्या करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, एक पैसा आपका कर्ज माफ नहीं होता। और बड़े बड़े खरबपति, अरबों रुपए हैं इनके, हजारों करोड़ रुपए हैं, और इनके कर्ज माफ हो रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ कर दिए, किसानों का नहीं किया। बड़े बड़े सेठों के साथ दिखते हैं ये नेता, हमेशा साफ सुथरे, ऐसे लगता है कि कभी धूल देखी ही नहीं है, किसी के खेत में गए नहीं है, किसी के घर में घुसे नहीं है, साफ सुथरे लगते हैं ऐसे, बिल्कुल पता नहीं, मोदी जी तो चमकते हैं। और जब देखो महलों में, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, कभी इनको किसी किसान के घर में देखा है, कभी किसी के गरीब के घर में देखा है? वाराणसी के सांसद हैं, राजीव जी जैसे आते थे जब प्रधानमंत्री थे, घरों में जाकर आपके साथ चाय पीते थे, समस्याओं को समझते थे। एक बार मोदी जी 10 सालों में किसी के घर गए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? नहीं गए। गरीबों के मसीहा हैं ये, एक शिकन नहीं है। मेरे पिताजी घर आते थे, मैं रोती थी उनको देख के, रोना आता था। 12-12, 14-14 घंटे यात्रा करके आप सबसे मिलके घर आते थे, लोग उनको खींचते थे, यूं पकड़ते थे उनके हाथ, यहां यहां तक घाव होते थे, निशान होते थे नाखूनों के, उंगलियों के, क्योंकि लोग प्यार से छूते थे, थके हुए लगते थे, खड़ा नहीं हुआ जाता था। पिछला आखिरी बार यहां रायबरेली में जब मैंने देखा उनको, किशोरी आप भी थे शायद, हम उनके साथ गए थे प्रचार के लिए, इतना काम कर रहे थे कि थक गए थे, एकदम थकावट दिख रही थी, लेकिन रुके नहीं, कुर्ता साफ नहीं होता था कभी,
धूल से भरा होता था, बाल धूल से भरे हुए, ये थे प्रधानमंत्री। और सिर्फ राजीव जी नहीं, सिर्फ राजीव जी या मेरे परिवार के सदस्य नहीं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, वाजपेयी जी, सभ्य इंसान थे। कभी आपके सामने आकर ऐसी अजीब सी बातें नहीं की जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और इनकी जवाबदेही खत्म कर दिया आपने। इनको ये नहीं लगता कि जनता के सामने 10 साल बाद चुनाव के समय आए हैं, जनता को कम से कम हम ये तो बता दें कि काम क्या किया है, हम ये तो बता दें कि अगले 5 सालों में क्या योजना है जनता के लिए। इतना भी आदर नहीं है जनता के लिए, सब अहंकार ही अहंकार है, सत्ता शोहरत शान बस यही है। और कांग्रेस पार्टी, आपके सामने हम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, सब सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में डालना चाहते हैं। जो हो रहा है आपके साथ वो गलत हो रहा है, वो अन्याय है। जब ये लोग संविधान की को बदलने की बात करते हैं, आपके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं, आपके आरक्षण को छीनने की बात करते हैं, गलत हो रहा है आपके साथ, अन्याय हो रहा है आपके साथ। जब किसान अपना पेट नहीं भर सकता, खेती में सुबह शाम काम कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत पूरी नहीं हो रही है, ये अन्याय है आपके साथ। जब मेरी बहनें 2 दिहाड़ी नहीं मिलती तो खाना नहीं खाती हैं, ये अन्याय है आपके साथ। जब नौजवान खड़ा है, शिक्षित है, माता पिता ने सब कुछ किया पढ़ाने के लिए, पेपर देता है, पेपर लीक होता है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार पैदा नहीं करते यहाँ सरकार, ये अन्याय है आपके साथ। तो हमने इस अन्याय को दुरुस्त करने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए एक न्याय पत्र की घोषणा की है। क्या है वो न्याय पत्र, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बहनें। गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए सरकार देगी। 1 साल में 1,00,000 रुपए मिलेंगे हर गरीब परिवार की महिला को, बड़ी महिला को 1 साल में 1,00,000 रुपए। अब आप कहोगे कि अच्छा आप भी घोषणाएं करती हैं, चली जाती हैं, हमें क्या मालूम। तो मेरा जवाब ये है, इसका प्रमाण कांग्रेस की प्रदेश सरकारें हैं। तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस की प्रदेश सरकार आज के दिन हर गरीब परिवार की महिला, सबसे बड़ी महिला के खाते में 2,000 रुपए डाल रही है। कर्नाटका में महिलाएं फ्री घूमती हैं बस में, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं। तो प्रमाण है, करके दिखा रहे हैं। हम एक और योजना लाएंगे, 25,00,000 तक जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके लिए मुफ्त होंगी। मतलब 25,00,000 रुपए तक जितना भी इलाज कराना है कराओ, सरकार पैसा देगी, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, सरकार देगी। ये भी हमने करके दिखाया राजस्थान में, राजस्थान में ये लागू किया। राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन, दिमाग के ऑपरेशन हो चुके हैं और उनको एक पैसा नहीं देना पड़ा। आजकल अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं राजस्थान के, वो बताएंगे। रायबरेली में हमारे साथ प्रचार करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आवारा पशु की समस्या खत्म कर दी छत्तीसगढ़ में, गौशालाओं को मजबूत बनाया, महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया, जनता से गोबर खरीदा ताकि आवारा पशु को रखने से जनता को आपत्ति ना हो, समस्या ही खत्म हो गई। वहाँ के गौशाला यहाँ के गौशालाओं की तरह नहीं है, पानी है, चारा है, छप्पर है, सब कुछ है, और वहाँ से आमदनी भी बन रही थी महिलाओं की, 60,000-70,000 की आमदनी, कम आमदनी नहीं। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए नियत चाहिए। तो तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास नवयुवक हैं, उन सबको हम नौकरी का अधिकार दे रहे हैं।
आपको भोजन का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। आजकल मोदी जी 5 किलो राशन पकड़ा देते हैं आपको, उस पर अपनी फोटो छपवा के कहते कि मोदी ने भेजा है, ये मोदी का इंसान एहसान है आप पे। मोदी जी का एहसान नहीं है, ये अधिकार है आपका कानूनी। ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने भोजन अधिकार का कानून बनाया था, आपकी सांसद सोनिया गांधी ने बनवाया था, ताकि कोई भी सरकार आए हमारे बाद, कानूनी अधिकार बन गया था आपका, आपको ये राशन का बोरा देना ही पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी दे रहे हैं, मजबूर है हमारे कानून से। हमने रोजगार का अधिकार दिया, जिसके तहत मनरेगा है आपके गांव में, और आपको 100 दिन का रोजगार पक्का मिला, मतलब 100 दिन का न्यूनतम आपको रोजगार मिला गांव में। मनरेगा से सुविधा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। आपको मालूम है कि जब मोदी जी आए थे पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसको बंद करना चाह रहे थे, मजबूरी से उसे खुला रखा, उसे कायम रखा। मनरेगा जैसे हम शहरों में आपको रोजगार का अधिकार देना चाहते हैं, तो जैसे गांव में मनरेगा है, शहरी मनरेगा बनेगा। उसी तरह से जो मैं कह रही थी, जो नौजवान हैं, जो स्नातक पास हैं, जिन्हें शिक्षित किया है माता पिता ने मेहनत करके, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आएगा, जिससे पहली नौकरी पक्की और उससे 1,00,000 रुपए सालाना नौजवानों को मिलेंगे। खेती के सामान से GST हटाई जाएगी, सारे खेती के सामान सस्ते किए जाएंगे, कर्ज माफी का स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब आपको कर्ज से राहत चाहिए आप उस आयोग में जा सकते हैं, आपकी सुविधा होगी। आज जब आपका खेत में आपका नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता। हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको। तो ये तमाम स्कीमें हैं जिनको हम गारंटी बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो हम आपका अधिकार बना देंगे और कुछ हम गारंटी देंगे कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम करके दिखाएंगे। भैया आज भाषण में कह रहे थे, रायबरेली आए थे आपके पूर्व सांसद राहुल जी, वो कह रहे थे कि 15 अगस्त तक अगर हमारी सरकार आएगी, 15 अगस्त तक, इसी साल के 15 अगस्त तक ये जो नौकरियां हैं ये देना शुरू करेंगे। जो 30,00,000 खाली पद पड़े हैं जिन्हें मोदी जी ने भरा नहीं है, उनको भर के दिखाएंगे। तो ये सब काम हम करना चाहते हैं आपके लिए। और दिल से एक बात बताती हूँ, आप अमेठी की जनता हैं, परिवार समान है, आपके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहे और खुले रहेंगे, चाहे आप चाहें हमें ना चाहें। लेकिन दिल से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये पवित्र भूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है, मेरे पिता शहीद हुए इस देश के लिए। मैं 19 साल की थी, वो मात्र 46 साल के थे जब उन्होंने जान दे दी देश के लिए। इस पवित्र जमीन पर इस तरह की राजनीति मत लाओ, झूठों की राजनीति, इस तरह की राजनीति जिसके नेता चीखते चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करते हैं, मत लाओ। यहाँ सभ्य राजनीति को रहने दो, चाहे आप हमें चुने, कल किसी और को चुने, किसी और को नेता बनाए, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए। और एक चीज़ होनी चाहिए उस नेता में, जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सम्मान होगा मेरे पिताजी के लिए कि यहाँ अमेठी से देश भर में संदेश जाए कि हमें झूठों की राजनीति नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, नौटंकी हो गई, झूठे वादे हो गए, हमें यहाँ वही पुरानी राजनीति चाहिए, असूलों वाली, सच्चाई वाली, जनता और नेता के बीच में पारिवारिक रिश्ता, श्रद्धा वाली। और आपसे कहना चाहती हूँ कि किशोरीलाल शर्मा जी जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं,
वो इस सभ्यता को समझते हैं। उन्होंने 40 सालों के लिए आपकी हर समस्या की सुनवाई की। आप हमको दरख्वास्त देते थे, हम किशोरी जी को पकड़ाते थे कि किशोरी देख लेना, हमारे जाने के बाद देख लेना, ये काम हो जाना चाहिए। तमाम काम जो आपके गांव में हुए, जो पूरे अमेठी में हुए, इनकी निगरानी में हुए। आज ये आपके सामने खड़े हैं। हाँ, कोई बड़े मंत्री नहीं है, कोई चीखते चिल्लाते हुए नेता नहीं है जो पूरी मीडिया को बटोर के सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपकी तरह साधारण परिवार के हैं, लेकिन आपके बीच आने की इनकी इनकी दिल में श्रद्धा है। हमेशा 40 सालों से आपके बीच आए हैं, आपकी गली गली जानते हैं, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। मैं पूछ लूँगी कि मैं किशोरी जी बताइए इनका इतिहास क्या है, मुझे बता देंगे कि इन्होंने इस चुनाव में ऐसे किया, उस चुनाव में वैसा किया, फिर हमसे नाराज़ थे, फिर ठीक हो गए, फिर हमने उनकी बेटी को पढ़ाया, ये सब जानते हैं। इनसे अच्छा प्रतिनिधि आपको नहीं मिल सकता। एक ऐसे प्रतिनिधि जो आपके बीच से ही उभरे हैं और आपके बीच ही रहेंगे। तो आप मन बना लीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए, यहाँ से पूरे संदेश देश में संदेश जाए कि बहुत हो गया है, अब हमें सच्ची राजनीति चाहिए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, माफ़ करिए थोड़ा जोश कम है क्योंकि गला बैठा हुआ है, लेकिन आशा है कि मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे और 20 तारीख को चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो पहले नंबर पर किशोरी जी का बटन दबाएं। देखिए पर्चा निकलता है, पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए, और जो आवाज़ आती है बटन दबाने पर वो आवाज़ ज़रूर सुनाई देनी चाहिए। तो ठहरिए, बटन दबाइए, आवाज़ सुनिए और फिर पर्चे पे देखिए कि उस पे भी पंजा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।